बिहार शरीफ के खंडक पर मोर स्थित बिहार स्टडी कैफे एंड लाइब्रेरी का उद्घाटन अस्थावा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। इस मौके पर सरमेरा के जिला परिषद सदस्य कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर अस्थावा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि बड़े बड़े शहरों के तर्ज पर बिहार शरीफ में भी लाइब्रेरी खोला जा रहा है ताकि इसमें स्थानीय छात्र छात्राएं स्टडी करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें। उन्होंने बिहार स्टडी कैफे एंड लाइब्रेरी के संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा की सोच अगर रचनात्मक और सकारात्मक हो तो कल का भविष्य उज्ज्वल होगा और युवा ही कल के स्तंभ और भविष्य है। युवा के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार शरीफ में इन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की है। शिक्षा के बढ़ते दौर में यह एक अच्छा प्रयास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लाइब्रेरी में 24 घंटे छात्र छात्राओं के लिए पढ़ने की सुविधा है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस लाइब्रेरी में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर युवा वर्ग की पूंजी अपनी कड़ी मेहनत से कमाए हुए शिक्षा ही होती है। अगर किसी के पास इच्छा है तो वह कहीं भी अपना भरण पोषण कर सकता है। कोचिंग के संचालक रविराज ने बताया कि इस लाइब्रेरी के अंदर छात्र छात्राओं के लिए अलग से बैठने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें शांतिपूर्ण वातावरण, वाईफाई की सुविधा, कंपटीशन से जुड़े किताब, डेली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस मौके पर कविराज पटेल, रविराज पटेल, सुभाष कुमार, सुधीर पटेल, नीरज कुमार, राकेश कुमार, रजनीश कुमार के अलावा कई लोग मौजूद रहे। युवा की सोच अगर सकारात्मक हो, रचनात्मक हो तो कल का भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा और युवा ही कल के स्तंभ है और कल के भविष्य है। तो युवा के विकास के लिए, उनके उनके सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और ख़ासकर मैं अपने विधानसभा के सारे सहयोगियों को और मैं शुभकामना देता हूं कि बहुत ही आपने बेहतर काम किया है। मैं दिल से आपको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। तो आज इस मुबारक मौके पे सभी लोगों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो संस्थान और ये बिहार स्टडी कैफे एंड लाइब्रेरी बेहतर करे और जिला में अपना नाम करे, यही हमारी शुभकामना है। बड़े बड़े शहरों में इस तरह की व्यवस्था था, लेकिन सोच बहुत पहले से था हमको, लेकिन कुछ स्पेस नहीं मिलने के कारण इस तरह का हम प्रोग्राम नहीं रख रहे थे। और छठ पूजा से पहले मुझे इस तरह का स्पेस मिल गया तो मैं बहुत स्पीड में काम कराया हूँ इसको। और इसमें सारी व्यवस्था है, सबसे पहले तो आपको 24 आवर्स ओपन रहेगा, सबको स्पेशल सीट दिया गया है, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, एकदम सेपरेट है, ठीक है। उसके बाद 24 आवर्स इसे बिजली मिलेगा, एसी की व्यवस्था है, एनी टाइम आपको लाइट मिलेगा, पानी के लिए हम टेंट लगाए हुए हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम रविनाथ पटेल।